के सामाईक इसके हाल चाल हैं आपके मेरा नाम है बैराम अली और मैं आपको खुशाम कहता हूँ एक फर्स्ट लुक रिव्यू जो मेरे पीछे गाड़ी है वो उसने एक काफ़ी हाइप्रेड की थी ओवर द सोशल मीडिया जब ये लॉन्च की गई थी टिटा मैनुफेक्चर है इसका और इसकी सिक्सटीनथ जनरेशन है टोटा क्राउन की और ट्योटा क्राउन जो है मतलब कि जो इसका वेरियन जो क्राउन है वो ट्योटा का 1950 से एक टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट रहा है इस uh, दफा इन्होंने थोड़ा सा डिज़ाइन को नहीं बल्कि बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली डिज़ाइन को बदल दिया है विदाउट फर्दर ड्यू पीछे जो गाड़ी खड़ी है उसका आपको एक सीरियर को वॉक क्राउन भी देते हैं दिस इज द प्रॉपर कस्टम पेड पाकिस्तान की पहली क्राउन है जो यहाँ पे सुपर व्हील्स पे जो है वो प्रेजेंट है अब चलते हैं एक्सटीरियर की तरफ तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे यहाँ पर ये जो मॉडर्नाइज क्राउन का बैज है ये जो पूरी स्ट्रिप है दिस इज अ एल और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, आपकी टेटरा एल डिजाइन आ जाता है जिसमें बड़ी खूबसूरती से वो टक इन जैसे जो है ना वो सारा इसका डिजाइन है नीचे हेडलाइट वाशेज आगे फ्रंट पे एक मैसिव ग्रिल है मैसिव मतलब कि लिटरली इतनी तो ग्रिल ही है सामने ठीक है उसके अंदर ये सारा इसका जो है डायमंड का डिजाइन दिया गया इट इज इन पियानो ब्लैक फिनिश्ड और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर इसकी तीन ओपनिंग्स दी गई ताकि फ्रंट हीय एक्सचेंजर्स को जो है वो ठंडी हवा मिल सके पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं यहाँ पे साइड पे कुछ भी नहीं है जो एल ई डीज डी फॉगलम्स वोटर वोट सब कुछ यहीं पर दिया गया है इसमें देर इज एन एक्स्ट्रा जिसके अंदर जो है वो मॉडलिस्टा किट है क्योंकि इट्स आर एस एडवांस जो जैपनीज जाप, टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट इज़ आर एस एडवांस और मॉडलिस्टा किट जो है दैट इज़ ऑलसो स्पेसिफिक फॉर जैपनीज मार्केट तो इसकी साइड प्रोफाइल पे आगे सबसे ज़्यादा आपको अंदाज़ा होता है कि वो जो एक सडान और क्रॉसओवर का जो मैचअप है वो कहाँ से शुरू हुआ है अगर हम इसकी मॉडलिस्टर ग्रिल निकाल दें तो ये आपको गाड़ी काफ़ी ऊंची लगेगी बट इसकी वजह से वो काफ़ी फिर भी एक सडान का जो है वो आपको आउटलुक दे रही है साइड पर यहाँ पर आपकी लाइट ख़त्म होती है ऊपर ये आईब्राउ आ गई साइड के जो है वो पार्किंग सेंसेज आ गए और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है तो इसकी जो क्लैडिंग्स हैं ये बॉडी मैच कलर में और कलर भी बहुत खूबसूरत है इट्स अ फर्स्ट फॉर द क्राउन पहली भी मेटालिक कलर इसमें आते रहे बट इसमें जो है ना वो फ्लेक्स का उन्होंने फिर से चेंज uh, किया है तो गोल्ड फ्लेक्स भी है उसमें रेड फ्लेक्स भी है और एक और सबसे बड़ा और सबसे मज़ेदार फीचर के टोटा में फ्रॉम द फैक्ट्री फर्स्ट टाइम ट्वेंटी वन इंचज जो है वो व्हील्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं और मैसिव हैं मतलब कि गाड़ी भी बहुत बड़ी है बट ये भी मैसेव बीच में जो है वो क्राउन की लोगो आ जाते हैं और यहाँ पे आपके फाइव लगनेट्स आ गए उसके पीछे आपकी जो है वो डिश ब्रेक आ गई और डल के टायर्स फ्रॉम फैक्ट्री आए हुए हैं यहाँ पे होट की तरफ आए तो बड़ा एक होता है ना सिंपलिस्टिक सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन है होट का कोई बहुत ज्यादा करैक्टर लाइन या बहुत एजी डिज़ाइन नहीं और इस होट के नीचे जो है देर इज अ टू पॉइंट फोर लीटर टर्बोचार्ज हाइब्रिड इंजन थ्री फोटी फाइव हॉर्स पावर और अबव फाइव हंड्रेड न्यूट्रीमीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं और इसमें ऑल व्हील ड्राइव जो है मतलब कि ड्यूल मोटर है और वो स्टैंडर्ड है इसका जो टॉप ऑफ लाइन का जो जीरो टू सिक्स दैट इज ऑलमोस्ट फोर सेकेंडस और ये जो हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है उसके लिहाज से और जितनी ज्यादा वेट है दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव ये इन सिटी जो है दिस साइज ऑफ कार गिव्स यू इजिली अ फिफ्टीन सिक्सटीन किलोमीटर पर लीटर की एवरेज जो कि बहुत अच्छा है मेरे लिहाज से हम आगे बढ़ते हैं तो साइड पे अगेन ये एक्स्ट्रा साइड uh, स् आ देती हैं और जो स्पेसिफिकली ये प्यानोब्लैक क्रोम का जो एडिशन है दरवाजे पर ये भी किट का जो है वो uh, uh, एक स्पेसिफिक पार्ट है और आप साइड पे फिर देखें अच्छा एक और मैं मज़े की बात बताऊं बेसिकली अगर आप इसका विंडो या वाला पार्ट देखें तो ये आपको बिल्कुल एक यहाँ से सीडाल लगेगी बट देर इज़ अ मैसिव डोर मतलब इसकी लेंथ को आप देखो तो देर इज आप कंप्लीटली वेरी ऑफ डोर सीडान की भी लुक है प्लस क्रॉस ओवर की भी है अगेन देर इज आर ऑप्शन ऑफ स्मार्ट एंट्री जो कि बहुत ज़रूरी है बट फिजिकल की भी इसके अंदर दी गई है ताकि अगर आपकी बैटरी लो हो तो आप यहाँ पर फिजिकल की से आप एंटर हो जाए ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग एल ई डी इंडिकेटर्स थ्री सिक्सटी कैमरा स्टैंडर्ड है पिछली विंडो में आए तो ये देर इज अ ड्रॉप डिज़ाइन दैट इज अगेन वेरी ब्यूटिफुल डिज़ाइन और ये पीछे अगेन एक फिर पूरा मैसिव पैनल आ जाता है जिसके अंदर पिछली भी जो व्हील्स हैं वो ट्वेंटी वन इंचज़ हैं और इसके अंदर रेयर व्हील सरिंग भी है दैट इज़ वेरी यूनिक फॉर अवर क्राउंड उसके बाद हम थोड़ा सा रेयर साइड पर आए तो एक हैच पैक डिज़ाइन आ जाता है यहाँ पर इसका एक ही हिडन स्पॉयलर है पूरी एंड टू एंड अगेन इसकी जो रेयर लाइट्स हैं वो चल रही हैं अच्छा अब एक और मज़े की बात यू डोंट सी मतलब कि कोई बटन आपको वैसे ही नहीं नज़र आता कि आपने इसका पिछला हैच खोलना कहाँ है। से तो अगर आप यहाँ पे झुके और यहाँ पे देखे तो ये पावर टेल गेट जो है ओपन हो जाता है अगेन उसकी जो एक ट्योटा ने जो अपने क्राउन मॉडल्स में जो रिफाइनमेंट की है ना उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि चीज़ों को कंसील किया ताकि जो उसका एक ओवरऑल डिजाइन है वो डिस्टर्ब ना हो बूट स्पेस अगेन बहुत बड़ी सीडान है तो बूट स्पेस बहुत अच्छा है यहाँ पर आपकी जो है वो हंड्रेड हंड्रेड वोल्ट की है फिफ्टी हंड्रेड वर्ड का जो है वो आउटलेट भी मिल जाता है ठीक है उसके नीचे बींग हाइब्रिड तो यहाँ पे पंचर रिपेयर किट और सब कुछ इसके अंदर ही उन्होंने दिया गया ठीक है और उसके अलावा पावर टेल गेट इसको हम यहाँ से बंद करते हैं और देखते हैं कि और पीछे क्या है हाइब्रिड की बैजिंग आ जाती है अगेन ये ब्लैक क्रोम में जो है वो क्राउन का पीछे सारा लिखा हुआ है रिवर्सिंग कैमराज रेयर पार्किंग सेंसर्स नीचे वाले जो है रिवर्सलाइज रिफ्लेक्टर्स फेक एग्जॉस चलता है कोई मसला नहीं है ठीक है अगेन मॉडल सर्किट आ जाती है सब कुछ अच्छा ऊपर शार्फिन टेना भी है और एक और चीज़ इसमें आप नोटिस करेंगे दिस ड हैव आ पैनोमिक सन इसकी बस बिल्कुल एक जो एक मॉडरेट किस्म की जो है सन है अब हमारे पास जो है इसकी चाबी है अब इसके अंदर चलते हैं अगेन जो दरवाजे की फील है दैट इज़ नॉट वेरी हैवी नॉट वेरी लाइट बट एक अच्छी प्रीमियम फील आती है और अंदर हम बैठे हैं तो कमाल वेरी नाइस मतलब कि एक नो डाउट आपको ये नहीं लगता कि आप किसी और मैनुफेक्चरिंग गाड़ी में बैठे हैं आपको बैठते साथ ही अंदाजा हो जाता है दैट इट्स अ ट्योटा की कोई गाड़ी ठीक है ना और उसके अलावा मटेरियल्स का यूज़ देख लेते हैं तो, तो यहाँ पे आपका सॉफ्ट प्लास्टिक आ जाता है यहाँ पर भी सम सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक मटेरियल बट उसकी फील काफ़ी सॉफ्ट है यहाँ पे आपका सृस्ट लेदर आ जाता है टू टोन इंटीरियर है विद इन एक्सेंट ऑफ गोल्ड बहुत स्लाइट साहते हैं लो सेचुरेशन वाला जो है गोल्ड इंटीरियर है और इसके यहाँ पे प्लास्टिक के अंदर भी कुछ फ्लेक्स डाली हुई है जिससे वो पॉप आउट कर रहे हैं मेमोरी सीट्स आ गई यहाँ पे आपका ए सी वेंट आ गया ये ऑटो लाइट का आई थिंक सो फंक्शन है और उसके बाद स्टेरिंग देखे तो इसमें कोई वो डी का डिज़ाइन या कुछ नहीं है इट्स अ लग्जरी कार नॉटर स्पोर्ट्स कार तो उन्होंने इसको बड़ा ही एक बेसिक उस तरह से रखे है तो बीच में अगेन बैजिंग आ गई राइट साइड पे इसके क्रूज कंट्रोल बाय द वे इसमें अडाप्टि क्रूज कंट्रोल उसके अलावा भी जो एवरीथिंग यू कैन विश फॉर के लेन कीप असिस्ट ऑटो ब्रेकिंग आपके ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग लेन असिस्ट सॉरी लेन डिपार्चर वार्निंग सब कुछ इसके अंदर मौजूद है और यहाँ पर मेरे ख्याल से आर वेरी एलिगेंटली प्लेस्ड बटनज जिसकी प्रेस करना बहुत मजे गए लेफ़्ट साइड पर आपके फ्रंट जो है आपकी स्क्रीन की कंट्रोल बटनज आ गए प्लस आपके मीडिया बटन्स आ गए एस आर एस एयरबैग लेदर स्टिच स्टेयरिंग है यहाँ पर इन्होंने फिजिकल बटन्स दिए हैं फॉर क्लाइमेट कंट्रोल जो कि बहुत अच्छी बात है और मुझे तो पर्सनली ये बहुत पसंद है वो जो एक टच स्क्रीन वाला जो सीन है ना वो क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एटलीस्ट नहीं होना चाहिए हीटेड वेंटिलेटेड फ्रंट रो सीट्स है रेयर सीट जो है वो भी हीटेड है ऑटो का बटन था है और एक और भी ओनर ने इसका एक चीज़ बताई है कि विंडो ओपन रह गई थी पिछली वाली ठीक है तो इट वाज सेट टू अ सर्टेन टम्परेचर तो जब वो नहीं मेंटेन कर पा रहा था तो उसने उसको लीकेज को भी आइडेंटिफाई करके कहा कि जी यहाँ पे मेरी डिस्प्ले आप पे आ गया कि जी आपकी विंडो ओपन है तो वो क्या बंद करना चाहेंगे या खुली रखना चाहेंगे तो ये गाड़ी इतनी भी स्मार्ट है और अगर आप ये फ़्रंट पे बिल्कुल देखिए स्टेरिंग के ऊपर आपको ये दो सेंसर्स नज़र आ रहे होंगे तो ये बेसिकली ड्राइवर की आई या फेस की तरफ देख रहे होते हैं तो इफ़ यू आर नॉट अटेंटिव तो ये जो है आपको बस देख के करते हैं कि यार यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर ड्राइविंग तो अब मीटर की तरफ देखते हैं राइट right साइड पे देर इज़ स्पीडो मीटर लेफ्ट साइड पे जो एक आर पी एम मीटर को जो रिप्लेस किया कि चार्ज इको पावर का आपको आ जाता है बीच में जो है वो आपके डिफरेंट इवन के अडाप्टिफ़ क्रूज कंट्रोल उसके अलावा बाकी सारी ऑप्शन बीच में आ जाते हैं डिजल स्पीड है इट्स इन पार्क तो गेयर गेयर इंडिकेटर भी है ऊपर जो है वो आउटसाइड uh, टेम्परेचर है टाइम आ गया लाइट्स ऑन है उसका भी बता रहा है फ्यूल बिल्कुल एंड पे क्योंकि गाड़ी बिल्कुल अभी आई है इट्स अ वेरी ब्रांड न्यू बाहर से बाई हुई थी फाइव किलोमीटर सिर्फ बाहर ही चली और यहाँ पर आ गई है तो इट इज़ टेकिंग डिलीवरी वेरी सून कॉन्ग्रेचुलेशन टू इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आ गए शेयरिंग के पीछे उसके पीछे लाइट कंट्रोल्स लेफ्ट पे वाइपर कंट्रोल्स आ गए और इसके नीचे अगर हम देखें तो देर इज़ आर चार्जिंग डॉक तो अब इसमें हम ट्राई करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है फ़ोन इस तरह से स्लाइड हो जाता है लेफ्ट साइड पर आपकी यू सी की जो है वो चार्जिंग पोर्ट्स भी आ गई आपने ये ग्य नॉब जो है अब तो मेरे ख्याल से जिस जैसे नई ट्योटा रखी उसको अंदाज़ा हो गया होगा यहाँ से हम राइड करके ये करें तो इट्स इन ड्राइव एक यहाँ पे करें तो इट्स इन मैनुअल और ब्रेकिंग मोड ठीक है उसके अलावा यहाँ से हम रिवर्स कर सकते हैं और बिल्कुल यहाँ से राइड right करें तो इट्स न्यूट्रल तो गेयर शिफ्टर के नीचे जो है वो ड्राइव मोड आ जाता है यहाँ पे अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो इट्स इन स्पोर्ट एस प्लस वाव मतलब कि उन्होंने इसके अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी बट बड़े प्यारा सा आ गई एनिमेशन आ गई यहाँ से हम बैक करें तो वो हल्का सा उसने एक रेड की जो है वो लाइन दे दी ताकि वो बता दे कि यू एन स्पोर्ट्स मोड या आपको थ्री सिक्सटी कैमरा का डिस्प्ले आ गया इसको अगर हम बंद करें तो इससे कम्प्लीट टच स्क्रीन यहीं पर इसके अगेन वायरलेस एंडर्ड ऑटो एप्पल कार प्ले एप्पल म्यूजिक सब कुछ है इसके अंदर और गाड़ी के फंक्शन देखें तो इसमें क्लाइमेट कम्फर्ट ड्राइव रिकॉर्डर ट्रिप इंफॉर्मेशन एनर्जी फ्लो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है मतलब ये हर एक चीज़ जो आपको नेसेसरी है वो इसके अंदर ही है उसके बाद यहाँ पर आया जाए तो रेयर कर्टन का आ गया दो कप होल्डर्स आपको मिल गए और आ, ब्रेक होल्ड और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ के भी बटनज़ यहाँ पर हैं और हमारे सामने जो हैं वो एक भाई बार बार गुजर रहे हैं तो गाड़ी के पार्किंग सेंसेस कह रहे हैं हट जाओ थी तो मेहरबानी हट जाओ अच्छा यहाँ पे पार्किंग से जो पार्क ब्रेक है उसको हम इंगेज कर दें ताकि पार्किंग सेंसर्स का बड़ा रखना हो अच्छा उसके अलावा अगर हम इंटीरियर को देखें तो ये बड़ा अच्छा प्यारा सा जिसे कहते हैं ना पैनल है इसके अंदर और इसकी जो सीलिंग है वो काफ़ी सॉफ्ट है इट इज़ नॉट डिपिक्टिंग अ लेदर बट इट इज़ नॉट एक्चुअली अ लेदर यहाँ पे फिर से गोल्ड की पूरी लाइन आ जाती है अगेन बड़े मॉडर्नाइज जो हैं वो ए सी वेंड्स आ गए ऊपर देखें तो यहाँ पे फंक्शन आ जा जाते हैं बल्कि उनको जलाए लेते हैं और एल ई डी हैं सारे और एस ओ एस का बटन आ गया सनरूफ के जो हैं वो बटनज आ गए एंड दिस इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक रेयर व्यू मिरर इसकी जो एडजस्टमेंट्स uh, है सीट की वो पावर्ड हैं उस टेन वे एडजस्टेबल पूरा जो इंटीरियर है दैट इज़ इन रूफ भी जो है इसकी इन वो जो है ब्लैक uh, फिनिश में सारी जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और ये जो गोल्ड और टैन और ब्लैक का जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बहुत प्यारा लग रहा है नो no डाउट अच्छा हाँ इसके अंदर जे बी एल का, का साउंड सिस्टम भी है अच्छा पीछे हम आगे तो सबसे पहली जो मज़ेदार चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ वो ये है इसको भी ओपन करें तो हिडन कप होल्डर्स आ गए तो पीछे जो है इंक्लाइनेशन का भी आपका आ गया हीटेड सीट्स आ गई ओ मीडिया बटन्स भी हैं पीछे अगर एयर कर्टन का आगे आ गया और टम्परेचर भी आप सेट कर सकते हैं इसको ओपन करें तो यहाँ पे स्टोरेज स्पेस आ गया और पीछे भी जो है वो अगेन आपको सडान की ही अंदर से फीलिंग आती है दिस इज़ नॉट मच लाइक के आपको क्रॉस ओवर की वो फीलिंग है बट इट इज़ नॉट क्रॉसऑफोबिकॉर्ट ऑफ आपका हालांकि मैंने सीट जो है वो काफ़ी पीछे की है बट स्टिल मेरे पास अच्छी खासी एक कंफर्टेबल जगह है और मेरे पैर भी जो हैं वो ये पीछे स्लाइड हो जाते हैं यहाँ पर जो है वो आ गया रेसिबेंट्स आ गए नीचे आउट पावर आउटलेट्स आ गए ऊपर जो सनरूफ है उसका साइज इज़ थोड़ा सा क्वेश्चनेबल कि बड़ा हो सकता था क्योंकि हम पाकिस्तानी इस्तेमाल करें ना करें बट हमें सन रू बड्डी जरूर चाहिए और पीछे जो हेड रूम है दैट इज़ आल्सो नाइस और ऊपर जो है ये अगेन लाइट के बटनज आ जा जाते हैं स्पीकर्स माइक सब कुछ सराउंड साउंड क्रिएट करने के लिए अगेन अ वेरी जैसे कहते हैं ना गुड एक्सपीरियंस अ वेरी वेल मैनुफेक्चर सॉर्ट ऑफ फील आ रही है इस गाड़ी में अनफॉर्चुनेटली इसको भी हम चला नहीं सकते क्योंकि दिस कार हैज़ बीन सोल्ड तो इसके जो ओनर हैं इनशाला हम उससे कोशिश करेंगे कि हम इसका एक ओनर्स रिव्यू भी लेकर हैं जब इसको हम सड़क पर चलाएँ फ्रेंड भाई भी एक्सपीरियंस करें और ओनर का भी परस्पेक्टिव आप तक लेकर हैं और डो लेटेस्ट हो कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी और इसी तरह की आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का कंटेंट जब भी आए तो आप लोगों के तक सबसे पहले पहुंचे और नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि